हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर के 9000 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबसे ज़्यादा सीट 6968 सिविल का था, जिसका कि फॉर्म डेट समाप्त हो चुका है। एग्जाम फॉर्म डेट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में दिखाएंगे कि क्या है सच्चाई, क्या नहीं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप देखे होंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से इंटरनल नोटिस वायरल हुआ था 25 अप्रैल 2023 को, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग का टोटल वैकेंसी जो आउट हुआ था 6968, कितना 6968 सिविल इंजीनियरिंग का, जिसका कि फॉर्म डेट था, जो फॉर्म डेट स्टार्ट होना था। आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 22/5 से लेके 21/6 तक, यानी यहाँ पर कल जो है यहाँ पर फॉर्म डेट समाप्त बताया जा रहा है डेट। और यहाँ पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो है काफ़ी सारे आर्टिकल लिख रहे हैं कि जो फॉर्म डेट है वो कल समाप्त हो जाएगा। मैंने यूट्यूब पर भी देखा कि लगभग 23 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल, वो भी बता रहे हैं कि कल इसका डेट समाप्त हो जाएगा 9000। बल्कि मैं आपको सच्चाई बता दूँ कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर का कोई वैकेंसी निकाला ही नहीं गया है, क्योंकि इंटरनल नोटिस वायरल था, इसमें कहा जा रहा था कि आपको 20 मई से फॉर्म स्टार्ट होगा, लेकिन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ। इसका कारण सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सब लोग जान रहे हैं, बिहार के मैक्सिमम छात्र जान रहे हैं कि क्यों नहीं इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ, लेकिन बिहार से अदर स्टेट वाले कैंडिडेट नहीं जा रहे हैं। लगातार व्हाट्सएप मैसेज और कॉल भी आ रहे हैं, कमेंट भी आते हैं यूट्यूब में कि फॉर्म डेट समाप्त हो गया, मैं नहीं भर पाए, लिंक नहीं मिल रहा है, प्लीज़ लिंक प्रोवाइड कराइए, कहाँ से भरिए, सारी कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से 1/2019 के अंतर्गत जो 2019 में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 6679 वैकेंसी आया था, 6679, जिसका कि मेरिट लिस्ट भी आउट कर दिया गया था। उसके बाद से बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, नए नियमावली पर एग्जाम कंडक्ट करा के नए वैकेंसी को सीट बढ़ाकर निकालने की यहाँ पर बात कही गई थी, जो कि 20 मई 2023 से फॉर्म स्टार्ट होना था और 21 जून 2023 यानी कल इसका समाप्त होना था, ठीक है। लेकिन ये फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि 1/2019 का मामला सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में चला गया, जिसका कि सुनवाई अभी है 3 जुलाई 2023 को। वहाँ से डिसीजन आने के बाद ही, क्योंकि नए बहाली पर स्टे लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो 3 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हालांकि उस दिन अगर डिसीजन हो जाता है तो वैकेंसी आएगा, आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा आपको आगे की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अफवाहों से ना रहें। देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, एक न्यूज़ चैनल है जो कि अपडेट किया था आपको 19 जून 2023 को, यानी कल का ये बात है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा जा रहा है कि बिहार जूनियर इंजीनियर के 9000 पदों पर भर्ती, बिहार सरकार के अलग अलग विभाग में खाली पड़े जूनियर इंजीनियर के 9000 पदों पर आवेदन के लिए बस 2 दिन का समय है, इसने लिखा, ठीक है। इन पदों पर आवेदन के लिए 21 जून अंतिम तिथि है, ठीक है। इससे पहले इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल गया, इसलिए, ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। कुल मिलाकर आपको बता दे, खास करके बिहार के बाहर वाले छात्रों के लिए जानकारी दे दे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी जो है यहाँ पर आया ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही वैकेंसी आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग को कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर जरूर रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑथेंटिक और सही सटीक न्यूज़ प्रोवाइड होता है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर भी आपको सही सटीक और समय से पहले प्राप्त होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी आपको न्यूज़ पहुँचेगा, अन्यथा आप भ्रम में रहेंगे और अफवाहों में रहेंगे। मैंने यूट्यूब पर भी देखा कि 23 लाख सब्सक्राइबर, वो भी बता रहे थे कि कल इसका डेट समाप्त हो जाएगा। अरे यार, बरगलाने से क्या है, जब जानकारी ही प्राप्त नहीं है तो ऐसे न्यूज़ चैनल को आप बाइकॉट कीजिए और ऐसे नहीं देखिए, ठीक है। जो जो सही सटीक बताता है उसी को देखिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।